प्यारे बच्चों, आज फैसले का दिन है। जी हाँ, क्या 23 लाख से अधिक बच्चों को आज न्याय मिलेगा? सब कुछ डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। भविष्य में डॉक्टर बनने की चाहत रखने वाले बहुत सारे बच्चे जो नीट एग्ज़ाम में हुई गड़बड़ी से काफ़ी परेशान हैं, उनके साथ जो स्कैम हुआ है उसको लेकर बहुत सारे बच्चों का आज फैसले का दिन है। आप सभी के सामने एक आर्टिकल है, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, नीट एग्ज़ाम 2024 कैंसिल होगा या नहीं होगा, रीनीट होगा या नहीं होगा, बहुत सारे विषयों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट से पहले दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच पहले ही एनटीए का साथ दे चुका है। क्या यह बेंच भी एनटीए का साथ देगा या फिर बच्चों को न्याय मिलेगा? आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर बहुत सारे बच्चे इकट्ठा होकर वेट करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। ठीक है, कुछ सबसे कुछ ही देर के बाद जो है ये जो है केस शुरू होगा। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की अवकाश पीठ मामले में जो हो वो सुनवाई करेंगे। तो जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता क्या इस बार अपने नाम के अनुरूप जस्टिस दे पाएंगे? इन सभी विषयों पे हमारी नज़र रहेगी। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से क्लियरेंस आती है, एग्ज़ाम को लेकर अपडेट आती है, आप सभी को हम तुरंत ही बता देंगे। आप सभी बने रहें हमारे इस चैनल पर, यहाँ पर डिटेल आप सभी के सामने है। 1500 से अधिक उम्मीदवार जो हैं वो आज कोर्ट के बाहर रहेंगे। बहुत सारी खबरों को बताया गया है। अलक पांडे सर जो कि जो है विद्यापीठ और फिजिक्स वाला के फाउंडर हैं, उनके सुपरविज़न में ये केस होगा। और आज जो है चीज़ें क्या होती हैं सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता रहूँगा। इस इम्पॉर्टेंट अपडेट में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।